नमस्कार, ताजा अपडेट के साथ मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं तमाम क्षेत्रों की विशेष खबरें, बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष सदर ध्रुव सिंह ने भाजपा प्रचार वाहनों पर हमला और भाजपा की होर्डिंग्स बैनर को क्षतिग्रस्त करने के संबंध में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के लोग हार की हताशा में घिनौने कृत्य पर उतर आए हैं। उनकी इस तरह के कृत्य लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। सपा के ऐसे घिनौने कृत्य का जवाब आजमगढ़ की जनता 7 मार्च को कमल का बटन दबाकर देगी। उत्तर प्रदेश में फिर एक बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनेगी। आजमगढ़ की 200 विधानसभा जीतकर हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों को मजबूत करेंगे। और क्या कुछ कहा सुनिए। भाजपा के साजिश पर हमारे ऊपर मुकदमा है, आप कर रहे हैं कि नहीं, ये सपा के लोग? कोई साजिश नहीं है, तो खुलेआम सोशल मीडिया में चल रहा है। आप देख रहे हैं किस प्रकार से घिनौनी हरकत हमारे प्रचार वाहन के साथ किया जा रहा है, किस प्रकार से घिनौनी हरकत हमारे जो है बैनर फूंक के किया जा रहा है, किस प्रकार से घिनौनी हरकत अखिलेश मिश्रा हमारे सदर विधानसभा भाजपा के प्रत्याशी हैं। सोशल मीडिया पर आप पत्रकार आप भी देखे होंगे, अखिलेश दुर्गा यादव का जगह साइकिल लगा करके और अखिलेश मिश्र का फोटो लगाया जा रहा है। कितना घिनौनी, अब कितनी घिनौनी हरकत है लोग करेंगे, तो दिख रहा है आपको सोशल मीडिया के माध्यम से। आप पत्रकार हैं, एकदम घिनौनी हरकत पर उतर गए हैं, पूरी तरह से जान चुके हैं कि हम पूरी तरह से यहाँ पर हार रहे हैं। इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ, भर्सना करता हूँ। ऐसा ये लोग कर रहे हैं जो ठीक नहीं है। जनता इसका जवाब आने वाले 7 मार्च को देगी और 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ में कमल का फूल सभी विधानसभा सभाओं को खिलेगी और उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की पुनः सरकार बनेगी। पुलिस अधीक्षक महोदय से हमारी बात हुई है, अभी उन्होंने गिरफ्तारी के लिए आश्वासन दिया। कहाँ कहाँ किस थाने में एफआईआर हुआ है? तनवा थाने में और सदर कोतवाली के अंतर्गत 2 जगह एफआईआर हुआ है और दोनों जगह कार्रवाई के लिए आश्वासन मिला है और कार्रवाई अगर 24 घंटे के अंदर इन आदाताइयों के ऊपर नहीं होगी तो आगे फिर हम लोग शासन प्रशासन से बात करके, ऊपर अपने प्रदेश से बात करके फिर इसकी अगली रणनीति बनाएंगे। क्या ये सपा के लोग कह रहे हैं कि भाजपा के साजिश पर हमारे ऊपर मुकदमा है, आप कह रहे हैं कि नहीं, ये सपा के लोग? कोई साजिश नहीं है, तो खुलेआम सोशल मीडिया में चल रहा है। आप देख रहे हैं किस प्रकार से घिनौनी हरकत हमारे प्रचार वाहन के साथ किया जा रहा है, किस प्रकार से घिनौनी हरकत हमारे जो है बैनर फूंक के किया जा रहा है, किस प्रकार से घिनौनी हरकत अखिलेश मिश्रा हमारे सदर विधानसभा भाजपा के प्रत्याशी हैं। सोशल मीडिया पर आप पत्रकार आप भी देखे होंगे, अखिलेश दुर्गा यादव का जगह साइकिल लगा करके और अखिलेश मिश्र का फोटो लगाया जा रहा है। कितना घिनौनी, अब कितनी घिनौनी हरकत है लोग करेंगे, तो दिख रहा है आपको सोशल मीडिया के माध्यम से। आप पत्रकार हैं, एकदम घिनौनी हरकत पर उतर गए हैं, पूरी तरह से जान चुके हैं कि हम पूरी तरह से यहाँ पर हार रहे हैं। इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ, भर्सना करता हूँ। ऐसा ये लोग कर रहे हैं जो ठीक नहीं है। जनता इसका जवाब आने वाले 7 मार्च को देगी और 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ में कमल का फूल सभी विधानसभा सभाओं को खिलेगी और उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की पुनः सरकार बनेगी।